हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। पार्ट 9। अभी तक हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट, इससे जो पहले ही वाला हमारा पार्ट हुआ था, उस पार्ट में हमने जो सेप्रोटोप्स है उसके बारे में स्टडी किया था और फंगस के बारे में थोड़ी बहुत हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इससे आगे वाला पार्ट 9 करने जा रहे हैं और इसमें हम पहेली के द्वारा गया ये कुछ वर्ड है वो स्टडी करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 9, न्यूट्रिशन प्लांट। पहेली, इज कीन टू नाउ वेदर हर ब्यूटीफुल शूज। कीन का मतलब होता है व्याकुल होना, उत्सुक होना। पहेली ये उत्सुक है कि टू नाउ जानने को उत्सुक है वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, जब हर ब्यूटीफुल शूज उसके जो सुंदर शूज है, जूते हैं, विच ही वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन। वॉर मतलब पहनती थी, कब पहनती थी, स्पेशल को विशेष फंक्शन होता था, विशेष त्यौहार होता था उस समय पहनती थी उस ब्यूटीफुल शूज का। वर स्पॉइल, वो ब्यूटीफुल शूज है वर स्पॉइल बाई फंगस ड्यूरिंग रेनी सीजन। वो क्या होते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तब वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो नुकसानग्रस्त हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? शी वॉन्ट्स टू नाउ हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वो जानना चाहती हैं कि ये जो फंगी है, ये जो कवक है, फंगी मतलब होता है कवक, ये कवक है केवल बरसात के मौसम ही अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक ही क्या होते हैं ये अपीयर दिखाई क्यों देते हैं, उससे पहले ही क्यों नहीं दिखाते या उसके बाद दिखाई क्यों नहीं देते। क्योंकि हम जानते हैं फंगस के लिए क्या चाहिए, ह्यूमिड मौसम चाहिए। कैसा मौसम चाहिए, ह्यूमिड। अगर नमी होगी तो ही क्या होंगे, ये जो फंगस है, कवक है, हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे, उसके बगैर ये दिखाई देंगे नहीं। इसलिए तो इसका आंसर ये होगा कि पहले को ये याद रखना होगा कि ये फंगस और कवक ये हमें कब दिखाई देंगे, जब रेनी सीजन होती है या ह्यूमिड टेम्परेचर आता है उसमें ये दिखाई देती है। आगे स्टडी करते हैं। बूजो, बूजो क्या कर रहा है, देखो, बूजो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल हिम डेट हिज वीट फील्ड वर स्पॉल्ड बाई अ फंगस। पहली सॉरी बूजो ये बूजो ने कह बूजो कहता है वंस हिज ग्रैंडफादर, एक बार उसके दादाजी क्या थे, उन्होंने बताया, क्या बताया कि हिज वीट फील्ड, एक बार उसके खेत क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। किससे खराब हो गए थे, जो फंगस के कारण, कवक के कारण खराब हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कवक क्या कहते हैं, ये हमारे खेतों को नुकसान भी या फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मतलब ये हमारे खेतों क्या कहते हैं, रोगग्रस्त भी कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू नाउ, वो जानना चाहता है इफ फंगी को डिजीज आल्सो, डिजीज का मतलब होता है रोगग्रस्त कर देना। क्या फंगी से क्या हो जाते हैं, ये कवक से रोग भी लगते हैं, क्या रोग भी लगते हैं, बिल्कुल, तभी तो उसकी फसलें खराब हो गई थी। तो पहले ने उसे बताया, पहली क्या बता रही है, पहली ने उसे बताया डेट्स मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। पहली ने उसे क्या बताया कि बहुत से जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, जैसे यीस्ट है, मशरूम है, दे आर यूजफुल, वो हमारे लिए क्या बहुत ही यूजफुल मतलब होता है उपयोगी होते हैं। बट सम फंगीज कॉज डिजीज इन प्लांट, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंक्लूडिंग जिसमें मनुष्य भी शामिल होते हैं, उनमें क्या होते हैं, वो डिजीज कर देते हैं, रोग पैदा कर देते हैं या उसमें उसको रोगग्रस्त भी कर सकते हैं। कोस का मतलब होता है उसका कारण, रोग का कारण बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, ये जो फंगस है वो उनके रोग के कारण बन जाते हैं। अब सम फंगी आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, उसने ये बताया, किसने, पहली ने, कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मेडिसिन भी बनाते हैं या उससे दवाया भी बनाई जाती है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फंगस होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं ये सिम्बायोसिस के लिए, ऊपर स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करेंगे लाइकेन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लाइव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं, एंड शेयर
बहुत शेल्टर है न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर का मतलब होता है सुरक्षा और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है अपने पोषक तत्व है वो भी क्या करते हैं साझा करते हैं, मतलब अपना फूड भी साझा करते हैं और एक दूसरे को सुरक्षा भी देते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमसे क्या करते हैं सब्जी है या और भी जम क्या साझा करते हैं। वैसे कुछ जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं स्मॉल जीव होते हैं और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो क्या करते हैं इसको साझा करते हैं, शेल्टर को साझा करते हैं, सुरक्षा को साझा करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी साझा करते हैं। कैसे करते हैं और आगे स्टडी करेंगे। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसा जो सहसंबंध होता है संबंध कहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस या बोलते हैं सहजीवन कहते हैं, मतलब साथ साथ जीना। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर या हमारे फैमिली साथ रहते वैसे ही ये साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के बगैर ये जीवित भी नहीं रह पाते हैं, इनको बहुत एक दूसरे की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सर्टन फंगी, अधिकतर जो कवक होते हैं लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, अधिकतर जो कवक होते कहा रहते हैं प्लांट की रूट्स में या उसकी जड़ों में पाए जाते हैं, उनकी जड़ों के अंदर रहते हैं, इनसाइड में अंदर। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस, जब वो जड़ प्लांट की जड़ों में रहते हैं तो प्लांट उनको क्या देता है, प्लांट उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, इसको देता है फंगस को। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराता है, किनको उपलब्ध कराता है फंगस को, क्या न्यूट्रिएंट्स। इन रिटर्न, बदले में द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन, बदले में फंगस है या कवक है वो उस प्लांट को वाटर भी उपलब्ध करवाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध करवाते हैं, सर्टेन मतलब अधिकतर न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध करवाते हैं। हाँ, आगे स्टडी करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, इनको जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हों क्या बोलते हैं लाइकेन भी कहते हैं, उनमें क्या होता है अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, उनको हम कहते हैं क्लोरोफिल युक्त सह पार्टी कहते हैं या सह व्यक्ति भी कहते हैं, साझा करने वाले पार्टनर भी कहते हैं, साथ रहने वाले भी कहते हैं। विच इज एन एल्गी, जो एन एंड फंगस टुगेदर, जब एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं तो ऐसे सहजीवन को हम क्या बोलते हैं लाइकेन कहते हैं, मतलब अगर एल्गी और फंगस दोनों साथ मिल जाते हैं तब ऐसे जोड़े को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जोड़े को हम बोलते हैं लाइकेन कहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी, फंगस क्या करते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो एल्गी को क्या उपलब्ध कराते हैं, सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, पानी देते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं और उनको मिनरल्स भी उपलब्ध कराते हैं, किनको उपलब्ध कराते हैं एल्गी को। इन रिटर्न, बदले में वो एल्गी से क्या लेते हैं, एल्गी प्रिपेयर द एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, एल्गी क्या करता है इस वाटर के द्वारा क्या करता है मिनरल्स के द्वारा वो फूड को क्या करता है बनाता है प्रिपेयर करता है और उसको किसको उपलब्ध कराता है फंगस को देता है। इस प्रकार दोनों क्या करते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे के लिए जीते भी हैं, ऐसे सहजीवन को हम क्या बोलते हैं ऐसे सिम्बायोसिस को हम बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन में कितने तरह के दो जीव होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं जो कैसे होते हैं पार्टनर होते हैं, जिसको क्लोरोफिल युक्त पार्टनर भी कहते हैं, जो क्या करते हैं एक दूसरे के लिए ये जीते हैं, एक उसके लिए सुरक्षा वाटर उपलब्ध कराता है, दूसरा उसको उसके लिए फूड का निर्माण करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में हम जो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है वापस हमारे सोयल में कैसे पहुंच जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।